हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी आर डूइंग द रिव्यू ऑफ नायका स्किन पोशन रेडिएंट ब्यूटी फेशियल ऑयल। ठीक है, आई हैव परचेज दिस फ्रॉम नायका। दिस इज़ फ्रॉम देयर रेंज ऑफ फेशियल ऑयल्स। नायका हैज़ मेनी वेरिएंट्स इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। द MRP ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 699 रुपीज़। 700 रुपीज़ का ये बॉटल है। ठीक है, एंड ये ऐसा दिखता है। द क्वांटिटी इज 30 ml। ठीक है, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। इसका ये ड्रॉपर एप्लीकेशन वाला बॉटल है। ओके, इस टाइप का एप्लीकेटर है इसका। दिस इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेटर इट कम्स इन। So let us discuss what kind of a beauty oil this is. According to me, if you this is very expensive for a face oil, ठीक है, and इससे ज़्यादा even as a serum if you use it, तो इससे ज़्यादा अच्छे serums आते हैं इससे कम price में L'Oreal के और सारे brands के। तो it radiant beauty है, लेकिन मुझे कोई ऐसा खास फर्क नहीं लगा अपने skin में, कोई मुझे ऐसी difference नहीं लगी। ठीक है, और एक तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी है। सो इफ़ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, तो प्लीज़ आप इस ऑयल को मत यूज़ कीजिएगा। मुझे ये प्रोडक्ट मतलब कुछ खास नहीं लगा फॉर 700 रुपीज़ फॉर 30 ml ऑफ प्रोडक्ट। ओनली 30 ml ऑफ प्रोडक्ट, इट हार्डली ब्रिंग्स एनी ग्लो टू योर स्किन और हार्डली मेक्स इट रेडिएंट। मुझे तो ऐसा कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं लगा, एंड आई वुड नॉट रिकमेंड किसी को भी। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये खरीदो। तो इससे भी ज़्यादा अच्छे ब्यूटी ऑयल्स हैं, फेशियल ऑयल्स हैं नायका पे अवेलेबल। उनके खुद के ब्रांड्स के भी अच्छे अवेलेबल हैं। दिस इज़ जस्ट नॉट अप टू द मार्क। ओके, दैट इज़ माय ओपिनियन, दैट इज़ माय टेक ऑन दिस, दैट इज़ माय रिव्यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।